लोन देने वाली पार्टी एफिडेविट फाइल कर देती है कि जी मैं ओन करता हूं इस लोन को, और आपने जो पूछना मुझसे पूछे ठीक है, मैंने नहीं बताया अपनी बैलेंस शीट पे, तो मैं जानू, मेरे यूनिट का जो मेरी ज्यूरिडिक्शन का टैक्स ऑफिसर है वो जाने, ये मेरा एफिडेविट है कि मैं क्लेम करूँ कि मैंने दिया है। एफिडेविट्स को हाई कोर्ट रिकग्नाइज कर लेती है कि जनाब आप करें ना करें, हम करें ना करें, हाई कोर्ट उसको रिकग्नाइज कर लेती है कि जब एक पार्टी ने एफिडेविट दे दी है तो फिर ठीक है आप उसके एसेट्स को देखिए, आप सिर्फ एफिडेविट नहीं साथ में वो एविडेंस भी देगा, यदि बैंक स्टेटमेंट में अगर वो बैंक से नहीं आया तो 39(3) में फिर हिट हो जाएगा। तो अगर वो एविडेंस दे रहे हैं कि नहीं मेरे बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं और ये लोन की अमाउंट है, उस केस में ये हुआ कि हमने कहा कि जनाब लोन की अमाउंट उस वक्त संदेह जगह जब आप दोनों के नेचर ऑफ बिजनेसेस जो है ना डिफरेंट किस्म के, उनके नेचर ऑफ बिजनेसेस दोनों के एक जैसे थे, ऑयल के बिजनेस में थे दोनों, एक पार्टी दूसरे को सेल कर रही थी और एक पार्टी दूसरे से परचेज भी कर रही थी, तो हमने कहा कि आपने ऑलरेडी हमें एविडेंस दिया हुआ कि दोनों पार्टीज आपस में सेल्स और परचेज कर रही हैं, तो जो चीजें इस पार्टी को वापस आ रही है हम क्यों समझेंगे ये लोगों ने, हम क्यों ना समझेंगे ये आपकी कोई आइटम उसने जो सेल की थी उसके पैसे नहीं, इस चीज का क्या एविडेंस है कि ये। मैं कहती अगर ये होता कि ये पार्टी ऑयल के बिजनेस में है और ये टेक्सटाइल्स के बिजनेस में है, तो ये तो कॉमन सेंसिकल अप्रोच है कि जनाब ऑयल एंड ऑयल लुब्रिकेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं वो फर्नेस ऑयल के तौर पे या मशीनरी के लुब्रिकेंट्स के तौर पे यहाँ से सेल हो, लेकिन ये पार्टी यहाँ पे सेल नहीं कर सकती क्योंकि कपड़ा बेचना है उसने, तो उसका बिजनेस है कपड़े का, तो जरिए पता ऑयल वाले बिजनेस को कपड़ा क्यों बेचेगा, तो दोनों साइड की ट्रांजेक्शन एक साइड की हिट हो जाती कि एक से एक आपकी जो है वो ट्रेड ट्रांजेक्शन है, दूसरी अलबत्ता लोन हो सकती है, लेकिन जहां पर दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस सेम है और ये एस्टैब्लिश्ड है कि वो रेगुलरली आपस में सेल परचेज कर सकते हैं, तो ये अब आपकी आफ्टर थॉट है कि ये वाली जो एंट्री आपने पकड़ी है इसको आप सेल ना मान लिया, इसको आप लोन मान लिया, ऑन व्हाट बेसिस, जबकि देने वाली पार्टी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसके अंदर नहीं है कि आप 10 करोड़ का लोन दे रहे हो वहां पे 1 करोड़ का दिखा रहे हो, ठीक है। उस केस के अंदर ये भी था कि उनका जो वो टाइम बार डीलर था देने वाली पार्टी का, अगर उसके एफिडेविट को भी हम मान लें तो प्रॉब्लम ये थी कि उस एफिडेविट पे उस वो साल ही उसमें ओपन कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बार हो चुका है, हेंस द रीजन उसकी इंसिस्टेंस थी कि हम टाइम बार। एक तो ये कि those of you who have been missing these lectures, these are available YouTube के ऊपर और Neo has shared the link. So I, you people must ensure that whichever lectures you have missed, you must go to that website. और वहाँ पे जाके आप देखते रहे और वो सारे lectures देखते हैं। वो देखने के बाद एक surprise test जवाब सब आपसे लेंगे। ये last you और वो पूछेंगे भी उस तरह की चीज नहीं जो कोर्स की हो, वो आउट ऑफ कोर्स सवाल करेंगे कि उस पर्टिकुलर लेक्चर में फलां बंदे ने क्या कहा, ठीक है, तो वो दैट विल कम एज अ सरप्राइज। सो आप लोगों ने मिस नहीं करना बिकॉज ही हैज वर्क्ड सो हार्ड ऑन दिस वन, टू ही हैज प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर दिस, ही टुक एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि 15-16 डेज टू प्रिपेयर दैट, सो नॉट एन ईजी जॉब, तो आपने इसको ऑप्टिमम यूज करना है। Those of you who are new and those of you देख यहाँ पे सारे हैं यहाँ पे मैम और एनफोर्समेंट की तमाम, I hope you are finding it useful और आप जाएं उस लिंक के ऊपर क्योंकि I was very upset to know that at least 8 people were missing yesterday, तो those of you who were not here the other day please आप लिंक को जाके तो वो जरूर कैच अप करें, right? अच्छा जवाब, is this the last one? इनका लास्ट होगा, अब इनका प्रोवेशन ऑफ एक्सपेंसेस रहता है, का लास्ट होगा, सो ओवरऑल कितने सेशंस का ये बना हमारा टोटल? सिक्स सेशंस, सेवन सेशंस, यानी कि ये सेवन है और अब यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। अच्छा दोस्तों, ऑफ देम हु हैव नॉट अटेंडेड दिस उनको आप, मैं अभी कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें पहले लिंक शेयर मैंने किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो दोबारा शेयर कर देता हूं। एनफोर्समेंट से जो लोग आए हुए हैं ना, हमने सिर्फ डायरेक्ट ऑफिस में बुलाए थे एनफोर्समेंट से, तो आपसे जो बाकी कलीग्स हैं एनफोर्समेंट के उनसे भी रहने देख लेंगे, इसलिए कि यू नेवर नो व्हेन दे आर पोस्टेड इन ऑडिट। आजकल आपको पता है कितना फ्लूइड है, अभी नवीन वाज इन ऑडिट एंड नाउ इज इन एनफोर्समेंट, तो ये तो होता रहता है, राइट?
तो मेक श्योर योर कॉलीग्स आल्सो विजिट दिस एंड चेक दिस. इस महीने हम सिर्फ ये करेंगे क्योंकि इसके बाद आपको पता है इलेक्शन होने सारा शुरू हो जाए. तो बाकी फिर नेक्स्ट मंथ वी विल सी कि हमने किस चीज पे करा राइट. ओके कैरी ऑन. सॉरी जुआ था मेरा कल था आज लास्ट है तो मैं थोड़ा सा कुछ भी नहीं. जो आपकी बुक्स हैं वो सेक्शन 74 है रेड विद चैप्टर 7 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 में रूल्स 28-23 आपकी बुक्स का जिक्र करते हैं कि एटलीस्ट ये आपने रिकॉर्ड कीपिंग में करनी है. जो फिनल प्रोविजंस है आपकी कंसीलमेंट की उसको आप देख लीजिएगा. मनी लॉन्ड्रिंग से इसको अट्रैक्ट करती है आपकी ट्रिपल वन जहाँ पे आपका इन्वॉल्व है वो है आपका इसके बाद दो तीन एग्जाम्पल्स और है ट्रिपल वन की. इसके बाद टूवर्ड्स द एंड इसकी कुछ प्रोविजनिंग है अपना हमारे पास ये प्रोविजंस को कैसे हैंडल करना है वैसे टैक्स पेयर्स. Accrual based accounting में liquidated damages की टेक्निक में the write off of expenses on change in accounting estimate. Provision of bad debts. Trade debts written off. Last time. Provision for store obsolescence, slow moving stores, stored inventory, double write off भी लोगों ने किया होता है वो देखते हैं किस तरह करते हैं वो examples हैं उसकी. Provision for accumulated compensated absences इसकी क्या treatment है. Provision for employees benefit and staff retirement benefits उसको किस तरह डील करना है. Interest on gratuity fund explain expenses saving on accrual basis. WPPF और WWF और फाइनली जो है फिर हमारा ये नोशनल एक्सचेंज लॉस. ये ऑलमोस्ट हर एक्सपोर्टर की रिटर्न में आपको मिलेगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है कहाँ मानना है कहाँ नहीं मानना. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और फिर हमारे पास ये एप्लीकेबिलिटी. ये आपका एक है मिनिमम. ये भी बड़ा मज़ेदार सर ऑल्दो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन से एग्री तो नहीं करता लेकिन ऑफिसर्स लगा रहे हैं आपने लगाना होगा तो लगा लीजिएगा डिमांड बन जाती है यहाँ पे. स्पॉन्सर लोन लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 18(1)(d) की क्या ट्रीटमेंट. और फाइनली जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा यहाँ पर आएगा ये प्रोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो है इधर गया इसका ये चीज़ जो है ये आपको बहुत तंग करती है क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे सिंपल से और आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं कॉम्प्लेक्स जो है इसके वर्जन और देखते जाएंगे कि चीज़ें इसमें बढ़ती जाएंगी और फाइनली आपको जो है ना ये एक मुश्किल वाला दिखा के फिर आपको इसकी एंड बताऊंगा कि जनाब इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या प्रोग्रेशन करते हुए क्या चीज़ आपने ऐड बैक करनी है और क्या आपने नहीं ऐड बैक करनी है. ये इंशाल्लाह प्रोग्रेशन पे मैं पहले करूँगा प्रोविजनिंग बाद में कराऊँगा. ये एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एक इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको कैटर करना. इस सारे की बेसिस पे ये एक प्रोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जिसको हम डिस्कस करेंगे. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम मिल गया तो कर देंगे. ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे किस तरह करने हैं हमने. होपफुली कल हम प्रोरेशन से स्टार्ट करके बाकी फिर हम प्रोविजनिंग कर लेंगे. ठीक है जी. थैंक यू.